स्वागत है किसान भाइयों आपका आज की इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में किसान भाइयों हम बात करेंगे जून के महीने में किसान भाइयों एक ऐसे दो कार्यों के बारे में जिसको कि अगर आप अपने गन्ने की फसल में किसान भाइयों करते हैं तो आपके गन्ने का उत्पादन जो है किसान भाइयों वो आपको 20 से 25% किसान भाइयों ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो ऐसे ही दो कार्यों के बारे में आपको बताएंगे जो किसान भाइयों आपने जून के महीने में अगर कर लिए तो आपको किसान भाइयों आपके गन्ने का जो उत्पादन है वो निश्चित तौर पर किसान भाइयों बढ़ता हुआ नज़र आएगा। और जो किसान भाई हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हों वो किसान भाई कृपया हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें क्योंकि खेती बाड़ी से संबंधित किसान भाइयों इसी प्रकार की नई नई जानकारियां आप तक हम लेके आते रहते हैं। तो अब बात करते हैं किसान भाइयों कि जून के महीने में ऐसे कौन से वो दो कार्य हैं जो आपने अपने गन्ने की फसल में किसान भाइयों करने हैं जिसके फलस्वरूप किसान भाइयों आपको आपके गन्ने का जो उत्पादन है वो लगभग उसमें किसान भाइयों 20 से 25% की बढ़ोतरी जो है वो पिछले साल से देखने को मिलेगी। जो पहला जो कार्य किसान भाइयों वो है किसान भाइयों कि अपने गन्ने की फसल में आपने जो है कैल्शियम नाइट्रेट का किसान भाइयों इस्तेमाल करना है। पहला यही कार्य है कैल्शियम नाइट्रेट का लगभग किसान भाइयों आप जो है इसकी जो मात्रा है किसान भाइयों वो लगभग 20 से 25 किलो कैल्शियम नाइट्रेट की मात्रा जो है अपने गन्ने की फसल में किसान भाइयों अवश्य इस्तेमाल करें। कैल्शियम नाइट्रेट क्या करता है किसान भाइयों कि आपके गन्ने की किसान भाइयों सेल डिवीजन को किसान भाइयों बढ़ाता है, यानी कि जब उसका सेल डिवीजन उसको में बढ़ोतरी होगी तो आपके गन्ने की जो लंबाई है किसान भाइयों वो बढ़ती हुई आपको नज़र आएगी। इसके साथ साथ गन्ने की जो मोटाई है, गन्ने की जो इंटरनोड का साइज़ है यानी कि पोरी का साइज़ है वो किसान भाइयों बढ़ेगा, और इसके साथ साथ गन्ने का जो रंग है वो हरा भरा होगा। इसके साथ साथ गन्ने की मोटाई के साथ साथ गन्ने का जो कुल उत्पादन है किसान भाइयों उसमें किसान भाइयों आपको बढ़ोतरी होती हुई किसान भाइयों नज़र आएगी। तो ये जो सारे कार्य हैं किसान भाइयों वो कैल्शियम नाइट्रेट के देखने को मिलते हैं। आप जो है किसान भाइयों इसकी जो मात्रा है लगभग 20 से 25 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से कैल्शियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किसान भाइयों अपने गन्ने की फसल में कर सकते हैं। अगर आप किसान भाइयों इफको का कैल्शियम नाइट्रेट इस्तेमाल करते हैं तो लगभग आपको किसान भाइयों वो लगभग 1300 से 1400 रुपये का आपको पड़ेगा 20 किलो, और अगर आप 11 का इस्तेमाल करते हैं तो वो थोड़ा सा महंगा है किसान भाइयों, वो लगभग आपको 1800 का लगभग पड़ता है। 25 किलो जो थैला आता है लगभग 1800-1900 रुपये का वो पड़ेगा। तो आप इफको का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका भी बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। हमने खुद भी इफको का ही इस्तेमाल किया था तो बेहतरीन किसान भाइयों उसका भी रिजल्ट देखने को मिला था। इसके साथ में किसान भाइयों आप इस्तेमाल कर सकते हैं एक स्प्रे जो कि किसान भाइयों सजेंटा की क्वांटिस इसकी मात्रा की अगर बात करें तो लगभग आपको 500 ml एकड़ के हिसाब से किसान भाइयों इसकी मात्रा जो है वो ले लेनी होती है। क्वांटिस किसान भाइयों एक मल्टी माइक्रो न्यूट्रेंट है जो हमारे गन्ने की किसान भाइयों माइक्रो जो डिफिशेंसी है माइक्रो न्यूट्रेंट्स की उसकी पूर्ति करता है किसान भाइयों, और ये एक ग्रोथ प्रमोटर भी है, यानी कि आपके गन्ने में जो भी माइक्रो न्यूट्रेंट्स की डिफिशेंसी है उसको दूर करके आपके गन्ने की जो ग्रोथ है किसान भाइयों उसको प्रमोट करता है, उसको बढ़ाने का कार्य जो है वो क्वांटिस करता है। इसके साथ साथ क्वांटिस क्या करता है किसान भाइयों कि आपके गन्ने में अगर किसान भाइयों अगर थोड़ी देर से पानी लगता है यानी कि सूखे की स्थिति को किसान भाइयों रोकता है, ये भी एक कार्य जो है वो क्वांटिस करता है, यानी कि स्ट्रेस के अगेंस्ट इसकी जो पावर है उसको बढ़ाता है। इसके साथ साथ किसान भाइयों क्वांटिस क्या करता है कि आपके गन्ने की रोग प्रतिरोधक क्षमता किसान भाइयों उसको बढ़ाता है, यानी कि अगर आपके गन्ने में कोई भी किसान भाइयों डिम माइक्रो न्यूट्रंट्स की या अन्य किसी न्यूट्रंट्स की अगर डिफिशेंसी नहीं होगी तो आपके गन्ने की जो प्रोडक्शन पावर है अगेंस्ट डिसीजेज उसको भी किसान भाइयों कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा लाभ जो है देखने को मिलता है। इसके साथ में किसान भाइयों आपने इस्तेमाल करना है 0-52-34 1 किलोग्राम। 0-52-34 किसान भाइयों एक इसमें होता है हमारा पोटेशियम और फास्फोरस, और पोटेशियम और फास्फोरस किसान भाइयों गन्ने की जड़ के विकास के लिए और गन्ने की संपूर्ण ग्रोथ के लिए किसान भाइयों बहुत ही आवश्यक होता है। तो इसलिए किसान भाइयों इसके साथ में आपने 1 किलो 0-52-34 का भी किसान भाइयों इस्तेमाल जो है वो अपने गन्ने की फसल में करना है। अगर किसान भाइयों आपके गन्ने की ग्रोथ जो है यानी कि उसकी जो बढ़ावार है जो लंबाई है आपके मन मुताबिक नहीं चल रही है यानी कि थोड़ी सी कम चल रही है तो आप जो है इसके साथ में किसान भाइयों 5 ग्राम जिब्रेलिक एसिड का भी किसान भाइयों इस्तेमाल जो है अपने गन्ने की फसल में कर सकते हैं। क्योंकि किसान भाइयों जिब्रेलिक एसिड क्या करता है कि आपके गन्ने की किसान भाइयों ग्रोथ को किसान भाइयों बहुत जल्दी किसान भाइयों बढ़ा देता है, यानी कि उसकी लंबाई को किसान भाइयों लगभग 1 हफ्ते से 10 दिन में किसान भाइयों लगभग 1 से 2 फीट किसान भाइयों बढ़ाने का कार्य जो है वो करता है जिब्रेलिक एसिड। तो जिब्रेलिक एसिड का किसान भाइयों इस्तेमाल तभी करें जब आपके गन्ने की हाइट जो है या लंबाई जो है वो थोड़ी सी कम चल रही हो, वरना किसान भाइयों आपने दोनों ही टेक्निकल का इस्तेमाल करना है। क्वांटिस 500 ml इसके साथ में 1 किलोग्राम 0-52-34 इसका इस्तेमाल किसान भाइयों अपने गन्ने की फसल में करना है। बेहतरीन किसान भाइयों आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा, आपका गन्ना जो है किसान भाइयों वो अंतिम समय तक हरा भरा रहेगा,
उसकी लंबाई गन्ने की मोटाई जो है बहुत ही शानदार किसान भाइयों बन के चलेगी। इसके साथ में किसान भाइयों, अगर आपने अभी तक अपने गन्ने की फसल में किसान भाइयों लंबे समय तक कीटनाशकों से बचाव के लिए किसान भाइयों अगर आपने कुराजीन या वर्टाको या फटेरा या फिर वॉल्यूम फ्लेक्सी का इस्तेमाल अभी तक अगर आपने नहीं किया है तो वो इस्तेमाल किसान भाइयों वो भी आप जो है इसी महीने जून में कर सकते हैं, क्योंकि इससे आगे किसान भाइयों आपके गन्ने की फसल में आपको स्टेम बोरर हो गया या इंटरनोड बोरर हो गया उसकी शिकायत जो है उसकी वो देखने को मिल सकती है। इसलिए बहुत ही अच्छा समय है ये जून का महीना कि इसमें आप किसान भाइयों ये जो जितने भी आपके ये लंबे समय तक रोगों से बचाव के लिए जो कीटनाशक आते हैं उसका इस्तेमाल किसान भैया आप गन्ने की फसल में अपने कर सकते हैं। तो समझो ये जो कुछ सामान्य जानकारियां थी, आशा करते हैं आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो हमारे YouTube चैनल को करिएगा सब्सक्राइब, वीडियो को भी करिएगा लाइक। धन्यवाद किसान भैया।